हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2 के कंप्लीट कर लिए थे। मतलब हम एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अपनी बुक में जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द नंबर पुटिंग कॉमास एट द राइट प्लेस। मतलब नीचे जो भी आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है इसको नंबर्स में कन्वर्ट करके लिखना है, नंबर्स में लिखना है और कॉमा भी लगाना है सही स्थान पर। जहाँ कॉमा आना चाहिए वहाँ कॉमा लगाना है। कैसे करते हैं इन दोनों को सॉल्व करने से पहले वही आपको याद रखना है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम मैंने आपको बार बार याद कराया है, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड टेन थाउजेंड, लैख टेन लैख। और इंटरनेशनल क्या होता है, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन। इन दोनों टेबल को याद रखते हुए आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं। पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज 8,99,412। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 8 लैख, लैख का स्लॉट कंप्लीट इसलिए कॉमा, 99,000 का स्लॉट कंप्लीट हो गया इसलिए कॉमा, 412। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर लिखना, आपने देखा कितना सिंपल हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे, हमें देखना है 4 के साथ 4 हंड्रेड प्लेस पे आ रहा है, 12 टेंस वंस प्लेस पे आ रहा है, 99,000 प्लेस पे और 8 लैख के प्लेस पे। तो हम देख सकते हैं वंस टेंस हंड्रेड, 400 है ना, 400, थाउजेंड टेन थाउजेंड, 99,000 स्लॉट्स में आ रहे हैं तो 99,000 एंड 8 लैख, सो 8। मतलब क्वेश्चन का सेम आंसर आ रहा है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी इज 7 लैख, 7 का स्लॉट कंप्लीट इसलिए कॉमा, 25,000 का स्लॉट्स कंप्लीट कॉमा, 931। वेरी सिंपल, हम इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, वंस टेंस हंड्रेड, 1,000, 10,000 मीन्स 25,000, 25,000 एंड 7 लैख 7। तो ये क्या बन गया, 7,25,931। ओके स्टूडेंट्स, कम टू पार्ट सी। पार्ट सी इज 235,000। अब 235,000 देखते ही आप समझ गए होंगे कि द सेंटेंस इज गिवन इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में होता है ना, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड, दैट्स वाई इट इज गिवन इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। सो द क्वेश्चन इज 235,000, थाउजेंड की स्लॉट कंप्लीट हो गया इसलिए कॉमा, 469, सो वी राइट 469। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने देखा कि इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से कॉमा शिफ्ट हो जाते हैं। आपने देखा वंस टेंस हंड्रेड कॉमा, थाउजेंड टेन थाउजेंड कॉमा लैक, वंस टेंस हंड्रेड कॉमा, थाउजेंड टेन थाउजेंड कॉमा लैख। इसी तरीके से वंस टेंस हंड्रेड कॉमा,
थाउजेंड, 10,000 एंड 100,000, ये तीनों एक ही स्लॉट के नंबर्स हैं, इसलिए इधर कॉमा नहीं लगाया गया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं और ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बोथ इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स। आपको सबसे छोटी, स्मॉल माने छोटी और स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटी, और ग्रेटेस्ट माने बड़ी, ग्रेट माने बड़ी और ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी 7 डिजिट नंबर लिखनी है, उसको फिगर्स में भी लिखना है, मतलब नंबर्स में भी लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है। उसके साथ साथ उसे इंडियन नंबर सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होता है। आप लोगों को पता होगा 1 एंड आफ्टर दैट 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 के बाद अगर हमने 60 लगा दिए तो टोटल 7 डिजिट हो गई और ये ही स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेकिन इसको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है तो हम इसमें कॉमा कैसे लगाएंगे? 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000, 1,00,000। Isn't it? समझ आ रहा होगा स्टूडेंट, बहुत सिंपल है अभी तक। अब ये तो हमने लिख दिया फिगर्स में, लेकिन हमें इसे वर्ड्स में भी लिखना है। तो वर्ड्स में ये क्या बन जाएगा? 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000। सो इट इज़ वॉट? इट इज़ 1,00,000। इधर हम लिख देंगे 1,00,000। देखिए, हमने स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर वर्ड्स में भी लिख दी और नंबर्स में भी लिख दी। बिल्कुल इसी तरह से ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होता है स्टूडेंट? इट इज़ 9,00,000, 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
वंस टेंस हंड्रेड कॉमा थाउजेंड टेन थाउजेंड कॉमा लैक टेन लैक। अब इसका नंबर नेम आपको अपने आप लिखना है। इसका नंबर नेम क्या बनेगा स्टूडेंट? वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक मीन्स नाइन्टी नाइन लैक नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन। द नंबर नेम ऑफ दिस नंबर हैव टू बी कंप्लीटेड बाय योरसेल्फ। आप खुद से इसका नंबर नेम लिखेंगे। इसका नंबर नेम बनेगा